अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में पढ़ा है, वीवो के फैंस के लिए कुछ बुरी खबर है। जी हाँ, वीवो के फैन जो हैं वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं इस न्यूज़ से, लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबर भी है वीवो को लेके। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे यार कुछ वीवो की अपकमिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से कि वीवो आखिर ऑफलाइन मार्केट में क्या करने वाला है, आईक्यू ब्रांड पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेड इन पाकिस्तान के जो स्मार्टफोन्स हैं वो कब हमें देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लैगशिप सीरीज जो एक्स सीरीज है वो पाकिस्तानी मार्केट में आ रही है कि नहीं आ रही। इस सारी न्यूज़ के ऊपर जो है वो डिटेल से बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों, बात की जाए वीवो की तो यार वीवो की तरफ से कुछ न्यूज़ निकल के आ रही हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ हैं कुछ बुरी न्यूज़ है। वीवो अपनी ब्रांड स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम कर रहा है, कुछ चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नई चीज़ें लेके आ रहा है, कुछ पुरानी चीज़ों को निकाल रहा है, कुछ जो है वो हलचल मचाई हुई है वीवो ने। अब वो क्या हलचल है, उनका क्या फ़ायदा होने वाला है, नुकसान होगा फ़ायदा होगा कंज्यूमर के लिए, वो सभी जो है वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अच्छी चीज़ों की बात करते हैं कि वीवो की जो X60 सीरीज़ है जो कि फ्लैगशिप है वीवो की, वो पाकिस्तानी मार्केट में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और इस चीज पे काफी ज्यादा गौर हो रहा है कि ये सीरीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जाए और वीवो V21 जो है वो शायद थोड़ा सा डिले होता हुआ नजर आया। अब वीवो V20 की जगह जो है हमें वीवो X60 सीरीज जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में शायद देखने को मिल जाए। अब मेरे सोर्स ने तो यही बताया कि वीवो X60 सीरीज जो है वो वीवो V20 से पहले पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की जा सकती है। अब ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, सोर्स की तरफ से न्यूज़ निकल कर आई है, टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देखते हैं क्या होता है, वीवो X60 आता है हमारे पास या फिर जो है वो वीवो V20 हमें देखने को मिलता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ वीवो X60 सीरीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ निकल कर आ रही है और हमें जो है वो अच्छी प्राइस के अंदर अगर वो वाली सीरीज़ मिलती है तो एक काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आएगी पाकिस्तानी मार्केट के लिए। इसके बाद जो दूसरी न्यूज़ निकल कर आ रही है वीवो की तरफ से, वो भी एक अच्छी न्यूज़ है। वीवो का आईक्यू ब्रांड पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है, ये कंफर्म न्यूज़ है। सारे इस न्यूज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से बार बार ये इंफोसिस हो रहा है कि आईक्यू पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रहा है और 1 से 1.5 माह के अंदर आईक्यू का कोई ना कोई स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ज़रूर लॉन्च किया जाएगा। मेरे सोर्स ने ये कंफर्म किया कि यार 200% जो है वो आईक्यू पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है, उसकी सारी प्लानिंग जो है वो तैयार कर दी गई है, चाइनीज़ की तरफ से जो है वो उनकी टीम को बता दिया गया है कि भाई आईक्यू आ रहा है उसकी भी तैयारी कर लें, उसके लिए स्टाफ अलग से जो है वो हायर करना शुरू कर दिया है वीवो ने। 50-60 पीपल जो हैं वो हायर किए हैं उन्होंने अपने सेल्स की टीम के अंदर, ताकि आईक्यू को जो है वो सेल जो है वो किया जा सके। अब आईक्यू जो है वो 200% पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है एज़ पर मेरे सोर्स के, अब जो है वो 1 से 1.5 माह के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में आईक्यू के स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। अगर आईक्यू पाकिस्तानी मार्केट में आता है तो हमें काफ़ी कड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा डिफरेंट ब्रांड्स के दरमियान, ख़ास तौर पर टेक्नो और इन्फिनिक्स को जो है वो स्मार्टफोन कड़ी टक्कर देता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। इसके बाद बात की जाए वीवो की तो यार आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन आ रहे थे कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वीवो के मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन आपको कब देखने को मिलेंगे। तो रिसेंटली हमें जो है वो वीवो Y31 जो है वो लॉन्च होता हुआ नज़र आया पाकिस्तानी मार्केट में, और ये पहला स्मार्टफोन होगा जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा और ये स्मार्टफोन मेड इन पाकिस्तान होगा, और आगे आगे जो है हमें काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन जो है वो वीवो के देखने को मिलेंगे जो कि मेड इन पाकिस्तान होंगे और काफ़ी जल्दी वो स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च भी किए जाएंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त और प्राउड फीलिंग वाली न्यूज़ निकल कर आती है। इसके बाद अगर बात करें वीवो की तो यार एक बुरी खबर है वीवो के फैंस के लिए। यार अभी तक बात की जाए वीवो के ऑफलाइन मार्केट के हवाले से तो वीवो अभी तक वो वाहिद कंपनी थी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता था ऑफलाइन मार्केट में। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वीवो V20 की, तो 60,000 की प्राइस के अंदर जो है वो स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, उसकी ऑफिशियल प्राइस जो थी वो 60,000 थी, लेकिन जब आप ऑफलाइन मार्केट में लेने जाते थे इवन आपको जो है वो 52,500 तक का वो स्मार्टफोन ऑफलाइन मार्केट से मिल जाता था, आपको 7,500 तक का डिस्काउंट उस स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिलता था। लेकिन
अब ये जो इतने ह्यूज डिस्काउंट्स हैं वीवो की तरफ से वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब जो है वीवो एक नई स्ट्रेटेजी लेके आ रहा है जिसके अंदर आपको जो है एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर स्मार्टफोन जो है वो सेल किया जाएगा। अब जितने भी मर्चेंट हैं उनके उनको जो है वो आगाह कर दिया गया है कि भाई ये आपकी फिक्स प्राइस है, इससे नीचे अगर आप स्मार्टफोन सेल करेंगे तो आपको जुर्माना किया जाएगा। जैसे कि अगर वीवो V20 है तो उसको जो है वो ऑफिशियल प्राइस के ऊपर 60,000 के लॉन्च किया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि यार ये स्मार्टफोन जो है आपने 59,000 से कम सेल नहीं करना। अगर जो भी मर्चेंट उसको 59,000 से कम सेल करेगा उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा, और जितना भी कमीशन होगा, मतलब वो स्मार्टफोन अगर 52,000 में मर्चेंट को दिया जा रहा है तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो सारा मर्चेंट इंजॉय करेगा। अब ये मर्चेंट जो जितने भी स्मार्ट डीलर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ निकल कर आ रही है, लेकिन एंड यूज़र कंज्यूमर के लिए जो स्मार्टफोन बाय करने जाता है उसके लिए थोड़ी सी जो है वो बुरी खबर है कि उनको जो है वो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे अब वीवो के स्मार्टफोन बाय करते हुए। और वीवो की जो सेल है वो भी काफ़ी गिरती हुई नज़र आई है। लास्ट मंथ में कोई खास स्मार्टफोन भी लॉन्च होते हुए नज़र नहीं आए, और जो स्मार्टफोन लॉन्च है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लॉन्च किए गए हैं वीवो की तरफ से। तो 50,000 यूनिट सेल किए गए थे जनवरी के अंदर वीवो की तरफ से, लेकिन जैसे बात करें फैब की तो फैब के अंदर ये जो नंबर निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट कोई 20,000 के अराउंड निकल के आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट शेयर लॉस किया है एक मंथ के अंदर वीवो ने पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो कि फिल करता हुआ नज़र आ रहा है सैमसंग और दूसरे जो ब्रांड्स इस वक्त जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यार काफ़ी एक्साइटिंग किस्म की जो है वो वीवो की आगे स्ट्रेटजीज देखने को मिल रही है। हमें फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी देखने को मिलेंगे, साथ ही आईकू का ब्रांड भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या कुछ जो है वो नया वीवो लेके आता है हमारे लिए। मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन भी काफ़ी जल्दी हमें मार्केट्स में देखने को मिल जाएंगे। आप लोग क्या कहते हो यार वीवो के बारे में, मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। आप कितने फ़ैन हैं वीवो का, कौन सा स्मार्टफोन आपने यूज़ किया हुआ है, ये भी मुझे जो है वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। X60 सीरीज़ का वेट कर रहे हैं तो भी बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दिस इज सैफराना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।